हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, टैग्स अच्छे लगाते हैं, सेटिंग्स अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे और आप बहुत परेशान हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि शजलानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो फ्रेंड्स, हम सभी यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, YouTube ने आपको खुद ही एक ऐसा फीचर दे रखा है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है और इससे आप अपने चैनल को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। दोस्तों, आपके हाथ में ही आपका फ़ोन है और उसके अंदर एक YouTube स्टूडियो के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसको यूज़ करके आप ये जान सकते हैं कि आप किस टाइम पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका जो वीडियो है ना, बहुत जल्दी हाई रैंक पर पहुंच जाएगा, यानी कि उसके ऊपर बहुत जल्दी व्यूज़ आने लग जाएंगे। और जब जल्दी व्यूज़ आते हैं तो कोई भी वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है या बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम YouTube के एक इसी इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और वो स्क्रीन आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। तो चलिए, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर। तो आप भी YouTube स्टूडियो यूज़ करते ही होंगे, तो चलिए हम YouTube स्टूडियो को खोल लेते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें ये आपके हाथ में ही हैं, लेकिन हमें ना पता नहीं होता कि इसका यूज़ कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कर लेना है YouTube स्टूडियो को ओपन। तो देखिए, ये एक चैनल है जिसके मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनालिटिक्स, और एनालिटिक्स आप ज़रूर यहाँ पर देखते ही होंगे क्योंकि आप अपने जो चैनल के जो ग्रोथ या जो भी उतार चढ़ाव है यहाँ पर वो आप देखते ही होंगे। तो हमने यहाँ एनालिटिक्स को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पर जाना है ऑडियंस के ऊपर। यहाँ एक ऑप्शन है ऑडियंस, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो ऑडियंस से ही रिलेटेड है, तो ऑडियंस के पास ही हमें जाना है क्योंकि ऑडियंस से ही हमें काम है। अब देखिए, जब यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर आप क्लिक कर देंगे ना, तो देखिए इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। तो ये भी आप लगातार चेक करते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक यूट्यूबर जो है वो अपने YouTube चैनल की मॉनिटरिंग करता ही है। तो आप भी ये सारी चीज़ें चेक करते होंगे कि क्या ग्रोथ है, क्या डाउन है, सब कुछ। और देखिए, यहीं पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, व्हेन योर व्यूवर्स आर ऑन YouTube, यानी कि आपके व्यूवर्स किस टाइम YouTube चलाते हैं या YouTube पर होते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कलर्स कि यहाँ पर बार्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये यह हमें बता रहा है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपके जो वीडियोज़ देखते हैं, आपकी वीडियोज़ पसंद करते हैं, वो किस टाइम YouTube चलाते हैं या YouTube पर सक्रिय रहते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, जो ये लाइट कलर है, इसका मतलब इस टाइम आपके व्यूवर्स YouTube नहीं चलाते। और ये जो डार्क कलर है, तो जो डार्क है इसका मतलब है कि इस टाइम आपके व्यूवर्स YouTube चलाते हैं या YouTube पर वीडियोस देखते हैं। अब आपको करना क्या है, जो वीडियोस आपको अपलोड करनी है ना, वो इन्हीं जो टाइमिंग है, देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है, इन्हीं टाइमिंग पर आपको अपनी वीडियोस अपलोड करनी है। आप बना कभी भी लीजिए, बना कर रख लीजिए। और जो ये टाइम यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 12 बजे का टाइम, 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो मेरे व्यूवर हैं वो YouTube चला रहे हैं, और उसके बाद 6 बजे से लेके ये 8 बजे तक ये सबसे ज़्यादा डार्क कलर है, तो इस टाइम मेरे व्यूवर्स YouTube चला रहे हैं। तो जब मैं इस दौरान YouTube पर वीडियो डालूंगा, यानी कि 6 बजे डालूंगा, तो 7, 8, 9 तीन घंटे तक मेरे जो व्यूवर्स हैं वो YouTube चलाते हैं। तो इसका मतलब जब मैं वीडियो डालूंगा उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी और वो बहुत जल्दी वीडियो ज़रूर देखेंगे। और जब वीडियो शुरू में जब व्यूज़ आते हैं ना किसी भी वीडियोस पर, तो YouTube का जो अल्गोरिदम है उसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली आगे प्रमोट कर देता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड्स। और ये YouTube ने ही फीचर दिया हुआ इसीलिए ताकि हम जान सकें कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो किस टाइम YouTube पर होती है, ताकि हम उनके लिए कंटेंट उसी टाइम पर डाल सकें। तो आपको इसी टाइम पर जो आपका यहाँ पर आपको जो चार्ट में दिखेगा, इसी टाइम पर आपको अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करनी है। और उसके बाद आप देखिएगा, धीरे धीरे आपके वीडियोस पर व्यूज़ भी आएंगे, और जब व्यूज़ आएंगे तो आपकी वीडियोस वायरल भी होंगी, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस तरह की अच्छी अच्छी नई नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।